दोस्तों यह इस प्रकार के प्रयोग आप घर पर ट्राई न करें। एल्युमिनियम का यह कुकर कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर या एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन का यूज कम से कम करें। यह भी क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यह पूरा कुकर गलकर समाप्त नहीं हो जाएगा। आज के समय में हर घर की हर किचन में खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर एक मुख्य वस्तु है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान तो है ही, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। एक प्रेशर कुकर खरीदते समय हम केवल प्रेशर कुकर का साइज और उसका अलग अलग डिजाइन देखते हैं, बाकी प्रेशर कुकर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस ओर हम कोई ध्यान नहीं देते। हमें कौन सा प्रेशर कुकर लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए और किस प्रेशर कुकर से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। आज के इस वीडियो में जैसा कि बहुत सारी वस्तुएं आप हमारे पास देख रहे हैं, इनसे हम कोई जादू करने वाले नहीं है, बल्कि विद साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें किस प्रकार के प्रेशर कुकर से बचना चाहिए। दोस्तों आज का यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखना। एक प्रयोग के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर हमारे भोज्य पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करके किस प्रकार के विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मेरे पास एक यह एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर है और एक यह स्टील का प्रेशर कुकर है, एक कांच की बोतल है। इन तीनों के साथ मैं प्रयोग करूंगा, बाकी प्रेशर कुकर को मैं यहां से हटा देता हूं, इनके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। दोनों प्रेशर कुकर खाली हैं, पहले से हमने इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है और यह स्टील का प्रेशर कुकर है, यह भी बिल्कुल खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है और यह सादा पानी, पीने वाला पानी है और यह घरों में यूज होने वाला कास्टिक सोडा मेरे पास है। एल्युमिनियम धातु सादे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन वह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है जिसको हम देख नहीं पाते, तो उसी अभिक्रिया को तेज करने के लिए यह सोडा मैंने रखा है। व्यूअर को यह शक न हो कि यह सादा पानी है या इसमें कुछ मिलाया हुआ है, तो पहले इसमें से कुछ पानी लेकर मैं आपको पीकर दिखाऊंगा। और इसमें एक चम्मच कास्टिक सोडा जो सभी घरों में मिलता है या किसी भी परचून की दुकान से आपको मिल जाएगा, एक चम्मच इसकी इस पानी में मिला लेते हैं और यह कास्टिक सोडा इस पानी में पूरी तरीके से घुल चुका है और इस मिश्रण की बराबर बराबर मात्रा मैं इन तीनों में लूंगा। पहले कुछ मात्रा बोतल में ले लेते हैं कुछ मात्रा स्टील के कुकर में ले लेते हैं और कुछ मात्रा हम एल्युमिनियम के कुकर में भी ले लेते हैं और दोनों कुकर के ढक्कन यहां पर हम बंद कर देते हैं। और अब इन तीनों के ऊपर हम यह गुब्बारे लगा देते हैं, क्योंकि आपको रासायनिक अभिक्रिया ऐसे दिखाई नहीं देगी तो इनके ऊपर हम यह गुब्बारे लगा देते हैं। और इन दोनों को हिला देते हैं। इस एल्युमिनियम के कुकर के अंदर अभिक्रिया चालू है, आप देख भी रहे हैं कि जो गैस इसके अंदर बन रही है वह गुब्बारे में आनी शुरू हो गई और गुब्बारा फूलना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो अभिक्रिया चल रही है उस अभिक्रिया को दिखाने के लिए इस बोतल का मैं यूज करूंगा। इसमें कुछ एल्युमिनियम के पीस डालता हूं, मेरे पास यह एल्युमिनियम की पत्ती है, इसके पीस तोड़कर मैं इसमें डालूंगा। अभी तक इसमें कोई अभिक्रिया नहीं चल रही, लेकिन एल्युमिनियम के पीस डालते ही इसमें अभिक्रिया होने लगेगी। इसको थोड़ा हिला देते हैं। सॉल्यूशन में एल्युमिनियम डालते ही इसमें रासायनिक अभिक्रिया चालू हो गई है, हाइड्रोजन गैस की गंध हमें आ रही है और इस गुब्बारे में भी आप देख रहे हैं यह जो फूलता जा रहा है।
सोल्यूशन ने एल्युमिनियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया की और हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गया। जबकि स्टील के कुकर में आप देख रहे हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई गैस नहीं बन रही, हाइड्रोजन की गंध बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसको भी हम एक बैलून से बंद कर देते हैं। जो भी गैस बनेगी बैलून के अंदर ही जाएगी, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम की पत्तियां कम हैं तो रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी इसमें कम चलेगी। और यह पूरा ही कुकर एल्युमिनियम का है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत तेजी से होगी। और एल्युमिनियम के कुकर के अंदर खाना बनाने में क्या रासायनिक अभिक्रियाएँ, क्या केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, वह हम आपको बता रहे हैं। खाद्य पदार्थों में कोई भी सब्जी बनानी है उसमें हमें नमक और पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एल्युमिनियम की पानी के साथ अभिक्रिया, दो भाग एल्युमिनियम के और छः भाग पानी के जब मिलते हैं और उनको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर दो भाग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और तीन भाग हाइड्रोजन गैस बनती है। एल्युमिनियम की नमक के साथ अभिक्रिया, दो भाग एल्युमिनियम, छः भाग नमक और छः भाग पानी मिलकर बनाएंगे दो भाग एल्युमिनियम क्लोराइड, छः भाग NaOH जो कि कास्टिक सोडे का फार्मूला है, और तीन भाग बनेगी हाइड्रोजन गैस। और यह जो कास्टिक सोडा तैयार होगा रिएक्शन के द्वारा, यही कास्टिक सोडा फिर एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा। मैंने कास्टिक सोडे को यहाँ पर इसीलिए लिया है कि आपको जो रिएक्शन हो वह तेजी से होगी और आपको दिखाई दे सकेगी। तो यहाँ पर दो भाग एल्युमिनियम, दो भाग कास्टिक सोडा और दो भाग पानी मिलकर दो भाग NaAlO2 जिसको हम सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं। एल्युमिनियम के कुकर में जो काला काला पदार्थ आपको दिखाई देता होगा वह सोडियम एल्युमिनेट होता है, और तीन भाग हाइड्रोजन बनेगी, और यही वो हाइड्रोजन है जो इस गुब्बारे के अंदर आ चुकी है। स्पष्ट आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का यह कुकर कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है। हालांकि प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते समय यह रिएक्शन इतनी तेजी से नहीं चलती, परंतु धीरे धीरे चलती रहती है। स्टील के कुकर में अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से चलती हैं और इतने विषाक्त पदार्थ भी नहीं बनते। और यह देखिए दोस्तों, गुब्बारा बहुत फूल चुका है और अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और ये देखिए उड़कर चला गया। और दोस्तों यह हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जलाकर दिखा रहा हूँ। कुकर की ढक्कन की नोब में आप देख रहे हैं कैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जल रही है, स्पष्ट बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कोई किसी तरीके की कोई ट्रिक नहीं है, यह पूरी सच्चाई आप देख रहे हैं। और यह अभिक्रिया बंद होने वाली नहीं है, यह अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक यह पूरा कुकर गलकर समाप्त नहीं हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। केवल पानी, घरों में यूज होने वाला कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम का यह कुकर तीनों अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि यहां पर जलते हुए आपको दिखाई दे रही है। और कुकर के अंदर ही एक पदार्थ और बनता है जिसको सोडियम एल्युमिनेट बोलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और दोस्तों खोलकर भी इसको देख लेते हैं, यह जो पानी था इसका रंग हम काला यहां पर देख रहे हैं, यह जो काला पदार्थ बन रहा है यह सोडियम एल्युमिनेट है, और जो इसमें हाइड्रोजन बन रही थी वह हाइड्रोजन इसमें से गैस बाहर निकल रही है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हाइड्रोजन गैस भी बहुत नुकसानदायक है। सोडियम एल्युमिनेट जो पदार्थ है यह एक विषाक्त पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और दोस्तों इस स्टील के कुकर में भी हम देख लेते हैं, स्टील के कुकर में किसी तरीके की कोई गैस यहाँ बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। और इसको भी यदि हम खोल कर देखें तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया इसमें नहीं हो रही है। जैसा कि घरों में देखा जाता है कि एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में सब्जी बनाकर और उसको फिर उठाकर रख देते हैं, तो ऐसा कभी भी न करें। यदि आप एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में सब्जी बना भी रहे हैं तो सब्जी बनाने के बाद उसको किसी दूसरे बर्तन जैसे स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में न रखें। जैसा कि आपने देखा
कि जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वह तो उड़ती रहेगी, लेकिन अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ भी बनते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट और भी विषाक्त पदार्थ तैयार हो जाते हैं, और जो हमारे खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो हमारे पेट में जलन, गैस बनना, किडनी और हार्ट पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो कोशिश तो यही रखें कि आप अपना भोजन स्टील के बर्तन में तैयार करें, एल्युमिनियम से अधिक बचने की कोशिश करें, और यदि एल्युमिनियम में आप खाना बना भी रहे हैं तो खाना बनाने के बाद उसको किसी दूसरे बर्तन में रख देना चाहिए। आजकल व्यक्ति आधुनिकता के चक्कर में आकर अक्सर देखा गया है कि जब हम खाना कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो अक्सर रोटियों को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट लेते हैं, और हमारी रोटियों से जो गैस निकलती है वह एल्युमिनियम फॉइल के साथ केमिकल रिएक्शन करती रहती है, और वहाँ पर भी इस तरीके के विषाक्त पदार्थ तैयार हो जाते हैं। तो यदि हमें रोटियाँ घर में रखनी हैं या कहीं बाहर लेकर जानी हैं तो वहाँ एल्युमिनियम फॉइल या अखबार का प्रयोग न करके उसकी जगह कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। और इस बोतल के अंदर भी दोस्तों आप देख रहे हैं, हालांकि अभिक्रिया धीमी है क्योंकि एल्युमिनियम की पत्ती कम है। बैलून में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है, बैलून ऊपर को जा रहा है और बोतल के अंदर एक काला काला पदार्थ तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था कि एल्युमिनियम के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते, केवल हानिकारक पदार्थ पैदा करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रेशर कुकर के ऊपर आगे चैनल पर वीडियो आने वाली हैं, आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। उन वीडियो में हम एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर की बात नहीं करेंगे, केवल स्टील के प्रेशर कुकर के बारे में ही आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों यह इस प्रकार के प्रयोग आप घर पर ट्राई न करें, और यदि ट्राई करें तो एक्सपर्ट की उपस्थिति में ही करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।